Hi guys and welcome to 5 Paisa. क्या आपको पता है कि अगर किसी ने 1977 में Reliance Industries के IPO में सिर्फ 10,000 रुपीस की इन्वेस्टमेंट करी होती तो 2017 तक इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 करोड़ से भी ज्यादा हो गई होती। जी 2017 में Reliance Industries Limited की 40th AGM मीट में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने स्टेट किया था कि 1977 में Reliance Industries में इन्वेस्टेड 1000 रुपीस की वर्थ फिलहाल 1600 टाइम ज्यादा है, यानी कि रुपीस 16,54,503। और अगर किसी इंडिविजुअल ने 10,000 रुपीस इन्वेस्ट किए होते तो अब तक तो वो गाइज करोड़पति बन गए होते। गाइज आखिर आप सोच रहे होंगे कि इस एग्जाम्पल का रेलेवेंस क्या है? Well, आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर के बारे में और आप इसमें कैसे इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे IPO के बेसिक्स के बारे में, इसको लॉन्च करने के पीछे रीजनिंग, और फिर कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो जल्द ही IPO लॉन्च करेंगी। लेकिन गाइस वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा YouTube चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट स्टॉक मार्केट न्यूज। सबसे पहले समझते हैं कि IPO आखिर होता क्या है। आमतौर पर जब कोई नई कंपनी फॉर्म होती है तो उसमें फाउंडर या फाउंडर्स अपना या लोन लेकर पैसा लगाते हैं या फिर एंजल इन्वेस्टर्स PE इन्वेस्टर्स की मदद से कंपनी को फंड करते हैं। कुछ साल बाद अगर कंपनी अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती है या डेट रीपे करना चाहती है तो उस फंडिंग के लिए आपको, मतलब जनरल पब्लिक को, इनिशियल पब्लिक ऑफर के जरिए अप्रोच कर सकती है। इनिशियल इसीलिए क्योंकि कंपनी अपने शेयर्स फाउंडर या फाउंडर्स के अलावा पहली बार किसी को दे रही होती है। ऑफर होता है पैसे के एक्सचेंज में शेयर्स। शेयर्स की कीमत कंपनी डिसाइड करती है और ये दो तरीकों से होती है। नंबर वन, फिक्स्ड प्राइस इश्यू, यहाँ कंपनी शेयर्स का फिक्स्ड प्राइस रखती है। और नंबर टू, बुक बिल्डिंग इश्यू, यहाँ कंपनी सेट प्राइस बैंड रखती है रादर देन एक फिक्स्ड प्राइस। IPO लॉन्च करने का एक और रीजन होता है इनिशियल इन्वेस्टर्स का एग्जिट। अगर प्रमोटर्स को कंपनी से एग्जिट करना होता है तो वो एक OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल लॉन्च करते हैं, जिसमें वो अपने होल्ड किए हुए स्टेक को पब्लिक को ऑफर करते हैं और एक्सचेंज में फंड्स लेके कंपनी से एग्जिट करते हैं। इस केस में कंपनी को ये फंड्स नहीं जाते, सिर्फ उन प्रमोटर्स के पास जाते हैं जो अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। In case of companies, there are strict preconditions that a company has to fulfill for taking the IPO route to raise money from the public. The preconditions have been designed by the market regulator SEBI so that the companies don't run away with the money of the common investors. तो आखिर कंपनी को IPO से क्या फायदा होता है? IPO का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पब्लिक से फंड्स सोर्स करना चीपर होता है as compared to taking a loan. दूसरी तरफ प्रॉफिट हो या लॉस, कंपनी के लिए लोन चुकाना जरूरी होता है, लेकिन लॉस में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना जरूरी नहीं होता। गाइस अब आप पूछेंगे कि इन्वेस्टर्स को आखिर IPO से क्या फायदा? एक तो हमने आपको शुरू में रिलायंस के एग्जांपल से बताया, कंपनी अगर ग्रोथ पाथ पर चल पड़ी तो IPO आपको काफी हाई रिटर्न्स दे सकता है। दूसरा ये कि IPO में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्वेशन होता है, जिससे छोटे इन्वेस्टर्स को शेयर्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। IPO में शेयर नहीं लिया हो तो ये हो सकता है कि सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीदने पर आपको ज्यादा पैसे देने पड़े। तो गाइस हमने ये समझ लिया है कि IPO आखिर होता क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं 2023 में एक्सपेक्टेड उन IPO के बारे में जिनका मार्केट और इन्वेस्टर्स काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं Oravel Stays के IPO के बारे में। Oravel Stays एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन हॉस्पिटैलिटी कंपनी है जो ओयो ब्रांड के नाम से जानी जाती है। ओयो का IPO से करीब 8,430 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान है। कंपनी डेट रीपेमेंट और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए IPO लॉन्च कर रही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड टॉक अबाउट टाटा प्ले IPO। कंपनी DTH सर्विसेज, प्ले टीवी और OTT सर्विसेज देने वाली एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है। 2004 में TCS के बाद ये टाटा ग्रुप कंपनी का पहला IPO होगा। टाटा प्ले में टाटा सन्स के करीब 62% हिस्सेदारी है।
आईपीओ के जरिए कंपनी 2500 करोड़ रुपए रेज करेगी। आईपीओ फ्रेश शेयर्स और ऑफर फॉर सेल का मिक्स होगा। ओएफएस में करंट शेयर होल्डर्स अपनी हिस्सेदारी कम कर सकते हैं। कुछ शेयर होल्डर्स कंपनी से एग्जिट भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है मैनकाइंड फार्मा। कंपनी तकरीबन 5500 करोड़ रुपीज रेज करेगी। ये एक डोमेस्टिक फार्मा कंपनी द्वारा किया गया सबसे बड़े आईपीओ में से एक होगा। द कंपनीज प्रोडक्ट प्रोफाइल इंक्लूड्स मेडिसिन फॉर हार्ट, एंटीबायोटिक्स, गैस्ट्रो इश्यूज एंड मोर। ये आईपीओ सिर्फ ऑफर फॉर सेल होगा, यानी कोई फ्रेश शेयर्स नहीं जारी होंगे और प्रमोटर्स अपने शेयर्स सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट में फोर्थ नंबर वाली कंपनी की। दिस कंपनी इज अ पार्ट ऑफ अ लेगेसी। हम बात कर रहे हैं टीवीएस ग्रुप के टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस की, जो एक ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनी है। मार्केट इस कंपनी के आईपीओ के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि ये करीब 30 साल बाद टीवीएस ग्रुप की किसी कंपनी का आईपीओ होगा। इससे पहले 1994 में टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स लिस्ट हुई थी। करीब 2000 करोड़ रुपए के इस आईपीओ से जो फंड्स आएंगे, उसमें से ज्यादातर फंड्स डेट रीपेमेंट के काम आएंगे। ये आईपीओ भी फ्रेश शेयर्स और ओएफएस का मिक्स होगा। इन चारों एक्सपेक्टेड आईपीओ की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। ओके गाइज, ये था हमारा वीडियो ऑन अपकमिंग आईपीओज इन 2023। वी होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और इसमें दी गई नॉलेज आपको हेल्प करेगी। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर 5 पैसा YouTube चैनल। सी यू सून।